हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और अगर आप लोगों का पेपर ठीक ठीक भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम नेक्स्ट एग्जाम्स में उसको कंपनसेट कर लेंगे। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए और अपने नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करिए। ओके, तो स्टूडेंट्स हो जाइए रेडी, क्योंकि 27 को है आपका केमिस्ट्री का पेपर और उसके लिए हमने स्टार्ट किया है PY2 सीरीज। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऑफ कोर्स आप सब लोग पूरा पढ़ के जाइएगा, जितना भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो तो कम से कम ये बस आपकी रिविजन वीडियो की तरह इसको लीजिए, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको आती है, और ऑफकोर्स मैं इसमें आपको बहुत सारी कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी चीज़ों को याद करने की, सो आप उनको यूज़ कर सकते हैं और उन चीज़ों को थोड़ा सा उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं जो सच में इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसी होप के साथ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने केमिकल काइनेटिक्स के 3 वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, जिसमें मैंने PYQs को ऑलमोस्ट सॉल्व करवा दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री से सच में थोड़ा भी डर लगता है तो उसको एकदम बाय बाय बोल देना, और अगर नहीं भी लगता है तो भी अपने रिविजन वीडियो के लिए उसको जरूर देखिएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद आर न्यू चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसको जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन है, फॉलोइंग आयंस of 3D transition series are given below. तो आपको कौन कौन से transition elements दिए हैं देखते हैं। आपको दिया है Ti4 positive, next है V3 positive, next है Cr3 positive and next है Mn3 positive. Okay, अब आपको इनका atomic number भी given है और साथ में आपको क्या बोला हुआ है, Identify the iron which is most stable in aqueous solution. Second पूछा हुआ है strong oxidizing agent and third पूछा हुआ है colorless in aqueous solution. तो students, इन सब questions के answers के पहले हमें बस इनका थोड़ा सा configuration लिखने आना चाहिए। वैसे तो आई नो आपको आपने कॉन्फ़िगरेशन सीखा ही होगा और आपको एलिमेंट्स याद करने भी आते ही होंगे, बट स्टिल हम एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये वाला पार्ट आता है। मैं इसका थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक बताने वाली हूँ कि आप कैसे इनको याद कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दो ट्रिक हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को याद करने के लिए। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, 3D सीरीज़ की बात कर रहे हैं हम, 3D सीरीज़ की। सक, टी, वी, कर, मन, फी, को, नी, क्यू, जन। तो फर्स्ट ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दी है, सक, टी, वी, कर, मन, फी, को, नी, क्यू, जन। और ये क्या है, ये हमारे पास 21 से स्टार्ट होता है इसका एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये हमारा 21 से 30 तक जाता है। एक और छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस, कोऑपरेट नहीं करती जान के, ठीक है? तो आप इसको थोड़ा सा स्लो स्पीड में करके, अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा या फिर आपको नहीं पता था तो आप इसको लिख सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस, कोऑपरेट नहीं करती जान के। ओके, इनकी एक्सेप्शनल हमें पता है क्रोमियम की और कॉपर की, इनकी हमें एक्सेप्शनल कॉन्फिग्रेशन देखने को मिलती है, ठीक है? बेसिकली इनकी क्या होती है, इनकी होती है 4s2 3d1, ओके, और हीलियम नियन, ओके एक सेकेंड रुको, हीलियम नियोन आर्गन, आई थिंक आर्गन से होती है ना इसके बाद, यहाँ पे आर्गन, आर्गन का कितना होता है, हीलियम नियन आर्गन 10 18 है ना, 19 20 21, बिल्कुल आर्गन का, क्योंकि 18 होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। इनका होता है 4s2 3d1, 4s2 3d2 3d3, बस इसमें क्या आ जाता है 4s1 3d5, राइट? और इसमें मन हमसे पूछ भी रखा हुआ है मैग्नीज का, इसका भी लिख ही देते हैं 4s2 3d5, ठीक है? और कॉपर का हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, 4s1 3d10, बस यही दो जो होते हैं ये एक्सेप्शनल होते हैं, बाकी सबका इस तरीके से हम लिखेंगे d1 d2 d3 d4 तो आएगा नहीं, 5 आएगा इनमें, 6 7 8 और फिर 10 और 10, ठीक है? ये बहुत ही बेसिक था जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली इनका कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना है हमें सबसे पहले, ठीक है? तो एक बार लिख देते हैं, फिर शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना बता देती हूँ। देखिए 4 पॉजिटिव का मतलब है कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है? एक बार फटाफट से लिखते हैं, शक्ति दैट इज 22 क्या होता है टाइटेनियम का, 4s2 टाइटेनियम का होता है बेसिकली 4s2 3d2,
टू, है ना। लेकिन क्या होगा, क्योंकि इसने फोर इलेक्ट्रॉन लूज कर दी है दोनों इससे एंड दोनों इससे, तो क्या हो जाएगा, डी जीरो। सिमिलरली वी थ्री पॉजिटिव सक टी वी, ठीक है, तो मतलब डी थ्री आना चाहिए था, तो पहले तो दो एस वाले चले जाएंगे और उसके बाद क्या चला जाएगा, डी से, दैट इज डी टू कॉन्फिग्रेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। क्रोमियम थ्री पॉजिटिव का हमने एक्सेप्शन पढ़ा था, क्रोमियम का बेसिकली होता क्या है, 4s1 3d5, ठीक है, तो थ्री इलेक्ट्रॉन उसने लूज करें, वन इधर से टू इधर से, कितना बच जाएगा, डी थ्री। और इसका Mn3 पॉजिटिव का बेसिकली क्या हो जाएगा, डी फोर। ओके, ये बहुत ईजी था। अभी एक बार क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट स्टेबल इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एक्वस कौन सा, मोस्ट स्टेबल कौन सा होएगा एक्वस सॉल्यूशन में, Cr3 पॉजिटिव, दिस वन। ये क्यों होगा एक्वस सॉल्यूशन में मोस्ट स्टेबल, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। अगर आप एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा दैट इट हैज़ मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोस्ट नहीं, इन चारों में से सबसे ज़्यादा इसका होता है, ठीक है। सो इसीलिए नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज वाई दिस इज मोस्ट स्टेबल इन द एक्वस सॉल्यूशन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से हमें बताना है कौन सा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, व्हाट इज एक्चुअली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, ओके, डरने की बात नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बट एक्चुअली इनसे कंफ्यूज हो जाता है। आप किसी एजेंट को मान लीजिए कि आई एम एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मान लीजिए, ठीक है, सो मेरा काम क्या होगा, मैं दूसरों को ऑक्सीडाइज करूंगी लेकिन खुद को, खुद में रिड्यूस होऊंगी, ठीक है। बट हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच थोड़े से फर्क जान लेते हैं, उसके बाद हमें एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन बेसिकली होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर लॉस ऑफ एक्सपोजर, दैट इज प्रोटॉन, सॉरी लॉस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, हम ये सब क्या बता दिया, देखिए आपके काम का शायद अभी के लिए इतना हो बट फर्दर आपको ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये भी काम आएगी और ये भी काम आएगी, ठीक है। अब ये रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज इसका एकदम उल्टा, एकदम इसका रिवर्स, दैट इज इसमें लॉस किया था इलेक्ट्रॉन्स का, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या किया था लॉस ऑफ एच, ना तो इसमें गेन ऑफ होगा हाइड्रोजन एटम मान लो, ठीक है, इसमें क्या गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें होगा गेन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या होगा लॉस इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मैं अभी भी पता चला क्या है ऑक्सीडेशन, देखो इसमें आपको ऑक्सीडेशन व्हाट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज व्हाट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी आप लिख लीजिए कि आपको ये वाली चीजें एनसीआरटी में बहुत ज्यादा मेंशन है, क्वेश्चंस में कहीं टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीज। अब हम बैक टू क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्टूडेंट्स देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली दूसरों को ऑक्सीडेशन कराए, मतलब कि दूसरों के इलेक्ट्रॉन को निकाले, है ना, जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन को लूज कराए और खुद क्या ले, जो उसने लूज कराए खुद ले, राइट। सो जो दूसरों को लूज कराए बट खुद का, जैसे कि मतलब दूसरों का खाना छीन लिया और खुद खा लिया, ऐसे वाली चीज, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो अपने आप ऑक्सीडाइज हो बट दूसरों को रिड्यूस कराए, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स भी दूसरों को देगा, ऐसे वाली चीज, ठीक है। जैसे कि हम सब लोग भाई बहन होते हैं, तो कुछ कुछ बच्चे कुछ हमारे क्या मतलब क्या क्या होगा, नहीं कि भाई अगर उनके पास थोड़ा भी है ना उसमें भी वो बाकी खाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, उनके पास अगर कम भी है तो खुद को ऑक्सीडाइज कराते हैं बट हमें रिड्यूस कराते हैं, और कुछ ऐसे होता है कि नहीं, अगर किसी का है भी हम खा लिया तो दूसरा छीन लो, ठीक है। तो वी बोथ आर वी बोथ, ठीक है, टाइम टाइम हम सब दोनों होते हैं, हम ऑक्सीडाइज एजेंट भी करते हैं और हम रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। चलिए अभी हमारी बात आ गई है कि अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना है, इसमें कौन सा होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने इसका कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइज एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कराए तो खुद रिड्यूस होना चाहिए। अब देखिए, अब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लो इसको क्या कर दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा डी1, इसको इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा डी3, इसके डी4 बन जाएगा और ये बन जाएगा डी5। अब आपको बता दीजिए, आपको पता है अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बन जाएगा स्टेबल कॉन्फिगरेशन, दैट इज हाफ, एक्जेक्टली हाफ कॉन्फिगरेशन, दैट इज व्हाई दिस वन इज स्टेबल, और जिसकी वजह से क्या होगा, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे में थ्री पॉजिटिव बिहेव करेगा, ठीक है। मुश्किल लगा, अब आप बोलोगे मैम एक नंबर का क्वेश्चन है और मैं टाइम लगा लगा, देखो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, वैसे आपको कैसे क्वेश्चन को देखना है, आपको पता चलेगा कि कौन स्टेबल लाइक कौन डी10 हो रहा है या कौन डी5 हो रहा है, इतना देखो और टिक मार करो, ठीक है। ये समझाने के लिए हमने नंबर किया है, क्या है, कलरलेस नेक्स्ट सॉल्यूशन, स्टूडेंट के बाद ध्यान रखिए कलरलेस कौन होता है, कलरलेस जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, कलर कैसे आता है, सोचो कलर आता है इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से, लाइक आपने किसी चीज पे लाइट डाली, लाइट डालने से उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गया मेरा, और जब वो बैक टू ग्राउंड स्टेट आएगा, ठीक है, तब क्या करेगा, लाइक मैं करें इतना होता है। बट अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो बताओ मैंने किसी के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिंपल डी4 के पास इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज व्हाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेना ताकि आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हां बस इसमें बोलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल नेक्स्ट सॉल्यूशन, इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज याद है तो फिर आपको काम चल सकता है, बट स्टिल आपको मतलब फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एज अ फैक्ट याद कर लो उसको, ठीक है। बट बाकी जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें ये भी बोला है कि बेसिक नंबर क्वेश्चन है, लेकिन गिव्स टू टेबल रीजन इन ईच, तो आपको इसमें रीजन देना, फर्स्ट रीजन आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं बिकॉज़ इट हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, सेकंड वाला रीजन क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमने बताया था दिस वन, ठीक है। तो आप इसमें बोल सकते हैं, नहीं था कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हां या तो इसमें आप रीजन देंगे बिकॉज़ इट इट इज मोस्ट स्टेबल इन d5, दैट इज हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एंड उसके बाद कलरलेस क्यों है, बिकॉज़ ऑफ इट्स जीरो इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल, बोल सकते हैं बिकॉज़ ऑफ इट्स एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ठीक है, इट इज कलरलेस और इट हैज नो इलेक्ट्रॉन टू गिव टू एनीवन, ठीक है, एक्साइट एज अ सेकंड, ठीक है। ओके सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू आवर न्यू क्वेश्चन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ CFT राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ d4 आयन इफ डेल्टा नोड इज स्मॉलर देन p, ओके। इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना है, बस छोटी सी चीज़ समझनी है। सबसे पहले हम ना स्प्लिटिंग पढ़ते हैं d5 की। देखिए स्टूडेंट्स, d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग पढ़ने जा रहे हैं, ये होता है हमारे पास d, 5 ऑर्बिटल्स, राइट, ओके।
तो ओके, इस तरीके से स्प्लिट होता है अगर हमारी ऑक्टाहेड्रल की बात होती है तो, थ्री एंड टू. ओके, इसको बोलते हैं टी टू जी और इसको बोलते हैं हम ई जी. ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की. मैम व्हाट इज़ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, मतलब कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मान लीजिए कोई भी मेटल है एम, ओके, कोई भी हमारे पास एम मेटल है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एल, जो लिगेंड लगे हुए हैं वो सिक्स लिगेंड लगे हुए हैं, तो ये उसके लिए स्प्लिटिंग है. इसको बोलते हैं टी टू जी, इसको बोलते हैं ई जी. ठीक है, अब हम टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करते हैं. टेट्राहेड्रल बोले तो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा हमारे पास, फोर. ओके, वन मोर थिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम सेकेंडरी वैलेंसी भी बोलते हैं, वैलेंसी. ओके, अब क्या है हमारे पास टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए क्या होगा, हमने बनाया डी ऑर्बिटल, ये कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, ये होगा हमारे पास ई जी और ये हमारे पास क्या होगा टी टू जी. आई होप आपको समझ आया होगा. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि हमें बताना है मो ओके, डेल्टा नोट और पी की बात भी कर लेते हैं. व्हाट इज़ डेल्टा नोट. ओके, देखिए ये हमारे पास सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, बैरी सेंटर बोलते हैं इसको भी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया सेंटर. अब देखिए इसका गैप अगर हम देखें तो कितना होता है और इसका गैप कितना होता है. जो नीचे होता है उसका गैप माइनस में होता है, माइनस का 0.4. ओके, एंड ये क्या है डेल्टा नॉट, और ये क्या होता है प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप उसको डेल्टा नॉट. ठीक है, अब देखो मैम इसको याद कैसे करेंगे. अब देखो, अच्छा इसका भी लिख देते हैं, पहले आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज कर देते हैं. देखिए इसका होगा माइनस का 0.6 डेल्टा नॉट. ओके, वन मोर थिंग, ये जी नहीं आता इसमें, जीरेड नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं होते, ये अनसिमेट्रिकल होते हैं. मैम आपको कैसे पता. देखो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर का मतलब ही क्या है, फोर कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज एम एल फोर, राइट. इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, या तो टेट्राहेड्रल बनेगा या तो ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा. ठीक है, तो बेसिकली ये जीरेड नहीं होते. जीरेड का मतलब है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको सेम एलिमेंट नहीं मिलेगा. ठीक है, जैसे ऑक्टाहेड्रल में मैं गया तो अगर आपको सेम मिलता है तो दैट इज जीरेड. उसके लिए हम मतलब सिमेट्रिकल के लिए हम बेसिकली जी को यूज़ करते हैं. ठीक है, अब देखो इसका माइनस 0.6 है, इसका 0.4 डेल्टा नॉट है. डेल्टा नॉट नहीं होता है, डेल्टा टी होता है. ओके ओके, अब एक बात देखो, क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए है ना, ये ओ किस लिए है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए है. अब देखो मैम याद कैसे करेंगे दैट ऊपर वाले का 0.6 होता है, नीचे वाले का 0.4 होता है. देखो स्टूडेंट्स, ऐसे मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि देखो नीचे तीन हैं तो इसीलिए इनका एनर्जी जो है वो कम है. ठीक है, तो तीन वाले के साथ चार आता है और जो बेचारे कम हैं दैट इज़ दो ही हैं उनके साथ ज़्यादा एनर्जी आती है. ठीक है, तो सेम इसी में ही देखो ये छोटे वाले मतलब इसमें कम दो ही ऑर्बिटल हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं बड़ा वाला वैल्यू दैट इज़ 0.6 और ये 0.4. वन मोर थिंग, जो भी नीचे आता है ना बैरी सेंटर के नीचे, उस वैल्यू को हम माइनस में लिखते हैं. ऐसे मत सोचना कि हमेशा माइनस का 0.4 ही आएगा या हमेशा माइनस का 0.6 ही आएगा, कोई भी कुछ भी आ सकता है. ठीक है ओके, अब हमें क्या निकालना होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा नॉट इज बेसिकली व्हाट, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और एक CFSE होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, स्टेबलाइजेशन.
मैम फ़र्क क्या है दोनों में? देखो सी एफ एस सी का फॉर्मूला बताती हूँ, आपको समझ आएगा। मान लीजिए कि मैंने ऑक्टाहेड्रल को फिल कराना है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल को मैं फिल करा रही हूँ, तो कैसे करा रही हूँ मैं, मान लो मैंने कोई भी डी फोर मान लिया, डी फोर को हम फिल करते हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, तो 1, 2, 3, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे पेयरिंग नहीं कराई, ठीक है, इसका पॉसिबल एक ये है, एक क्या पॉसिबल है, एक पॉसिबल ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना जाके यहाँ पे पेयरिंग हो जाए, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हैं, क्लियर होगा आई थिंक अभी, ठीक है। तो एक बार वन बाय वन हम स्प्लिटिंग का देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। देखो स्टूडेंट, इसको हम लिखते हैं, देखो मतलब दोनों पहले इसके केसेस लेते हैं, केस टू क्या है हमारे पास, देखो इसमें हमने पेयरिंग कराई है और इसमें हमने पेयरिंग नहीं कराई है, ठीक है, ये भी बेरी सेंटर ही है, यूँ कहीं लगा लो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये केस वन है, ये केस टू है। इन दोनों में मुझे क्या बोल रखा है कि भाई सी एफ एस ही निकालो, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालो, ओके, इसको रब कर देते हैं इधर से। देखिए अब करेंगे क्या हम, माइनस पहले इसका लिखते हैं केस वन का, माइनस का 0.4, कितने इलेक्ट्रॉन फिल्स हैं, 4, ठीक है, प्लस का 0.6 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वाले ऑर्बिटल में, 0, ठीक है, और प्लस में क्या होता है हमारे पास, पेयरिंग एनर्जी अगर गिवन होती है तो, तो ऑफकोर्स यहाँ पे पेयरिंग है तो आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई पेयरिंग एनर्जी अगर गिवन होगी तो उसको ऐड कर देना, पर देखी नहीं जाती है बेसिकली आपके में, सिलेबस में इतना देखा नहीं गया है, देखा गया तो प्लस भी कर देना। अब देखो कितना आ जाएगा इसका, सी एफ एस सी इज 4 4 16, माइनस का 1.6 डेल्टा नॉट, ठीक है मैम, अब इसका भी बता दो जब बता ही रहे हो तो। तो देखो स्टूडेंट्स ये भी एकदम सेम ही है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, आपसे हो जाएगा ये। देखो इसका हो जाएगा फिर से माइनस का 0.4 इंटू में 3 प्लस का 0.6 इंटू में 1, करो इसको सॉल्व, 4 3 12 प्लस का 0.6, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 0.6 डेल्टा नॉट, तो दिस विल बी आर सी एफ एस सी, ओके। अब आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की साइड, दैट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी फोर आयन इफ डेल्टा नोट इज स्मॉलर देन पी। ओके, इन्होंने ना एक तो हमें मेंशन नहीं कर रखा है कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है, डेल्टा नोट दे रखा है, तो डेल्टा नोट से हम ऑलरेडी समझ जाएंगे कि हमें किसकी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात की हुई है, और इन्होंने हमसे डी फोर का पूछा गया, लेकिन कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि डेल्टा नोट इज स्मॉलर देन पी, कंडीशन दे रखी है डेल्टा नोट इज स्मॉलर देन पी। मैम इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, किससे, सी एफ एस सी से। मैम मतलब इसका क्या, इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे कुछ नहीं, इससे बस हमको इतना पता चल रहा है कि पेयरिंग एनर्जी, देखो इसका बता देती हूँ, पेयरिंग एनर्जी जब ज़्यादा होती है ना तो पेयरिंग कभी नहीं होती। क्या मतलब है इस बात का, कि इसको पेयर कराने में ना इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। जैसे कि आप सोचो, आपको कोई टॉपिक करने पे, आपको कुछ क्वेश्चन करने पे अगर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स एंड एनर्जी देनी पड़ रही है तो आप क्या करते हो, यू विल प्रेफर कि आप थोड़ा सा जो स्मॉल टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको मतलब थोड़ा सा जल्दी जो हो जाएंगे उनको कवर कर लो। तो वो वाली चीज़ है कि अगर कोई दूसरी चीज़, जैसे कि कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव, दैट इज़ डेल्टा नोट, क्योंकि स्मॉलर है, दैट इज़ क्या होगा, बस इतना ही याद रखो, ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, दैट पेयरिंग एनर्जी अगर ज़्यादा है तो पेयरिंग कभी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास केस वन ये था, केस टू ये था, कैसे पेयरिंग हो रही है, हाँ हो रही है, तो ये वाला केस नहीं आएगा,
ठीक है, ये केस नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ये कॉन्सेप्ट के लिए समझाए थे दोनों, लेकिन इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा ये वाला केस चलेगा। ठीक है, तो अब देखो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग नहीं होगी, तो इसमें पेयरिंग नहीं हो रही है। और हमें बस क्या बताना है, हमें बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है। मुश्किल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, क्या आ जाएगी, टी टू जी होता है ये होता है ई जी, लिख दो टी टू जी थ्री ई जी वन। आई होप आपको समझ आया हो, टी टू जी है थ्री थ्री। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अच्छा सुनो अब क्या बोल दिया जाए। अब आपको एग्जाम में, चलो ये तो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ ही चुका है, मान लो कि वो इस बार क्या दे दें आपको सेम क्वेश्चन में ही, मान लो इसी क्वेश्चन का केस ले रहे हैं हम, इसको काट दिया मैंने बेचारे को, कोई बात नहीं दोबारा इसको ठीक कर देते हैं, ये 0.6 इसी में बोल दिया आपको इस बार उल्टा कंडीशन, कि अगर मान लो ये जो एरो है ये क्या बोल रखा है कि डेल्टा नोट बड़ा है पी से, मतलब पेयरिंग एनर्जी बड़ी होती है तो कभी पेयरिंग नहीं होती, लेकिन इसमें तो पेयरिंग एनर्जी छोटी है, दैट इज पेयरिंग हो जाएगी। तो हमारा केस कौन सा आएगा, दिस वन। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोलेंगे तो क्या लिख देंगे, सिंपल टी टू जी फोर ई जी जीरो। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हमें दे देंगे तो हम लिख देंगे टी टू जी फोर ई जी जीरो। ये वाली कंडीशन किसके लिए थी, जब डेल्टा नोट इज स्मॉलर देन पी, दैट इज जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तब पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा आपको लग रहा होगा सोचने में कि मैम जो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग ही होनी चाहिए, बट स्टूडेंट समझ के देखो, जो चीज़ का जो जिस चीज़ में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी होती है बेसिकली आप वो काम थोड़ा सा डिले करना प्रेफर करते हो, इंस्टेड ऑफ जो काम ईजिली हो जाता है उसको जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि चलो छोड़ नहीं मानते अभी के लिए, आपको आई थिंक ये समझ आ गए हो। ओके, वन मोर थिंग, अब आपसे कोई इसका सी एफ एस ई पूछ ले, इन्होंने तो बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया, बट ऑफकोर्स सी एफ एस ई लिखना भी पूछ सकते हैं। तो देखो सी एफ एस ई तो हमने इनका लिख ही दिया था, सी एफ एस ई अगर आपसे कोई इनका पूछ ले तो ये कौन से केस में था, जब पेयरिंग, ये जो आपको गिवन केस है डेल्टा नोट इज स्मॉलर देन पी, तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब पी बड़ा है पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो केस क्या होएगा हमारे पास, एक सेकेंड गलत बोल दिया ना, हाँ गलत बोल दिया, डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पी, पेयरिंग एनर्जी स्मॉल है पेयरिंग होगी, होगी तो ये हो रखी है। ठीक है, तो हमने इधर माइनस का 1.6 डेल्टा नोट हमारी क्या आ जाएगी, सी एफ एस ई, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और इस वाले की सेकेंड केस की हमारी सी एफ एस ई क्या आ जाएगी, माइनस का 0.6 डेल्टा नोट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट पे आते हैं। प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव। डर लग रहा है मैम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डैम इजी, उसे कैसे डर लगता है, है ना, ऐसा ही सोचो। और चलो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो स्टूडेंट्स, NiCN4 2 नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले आपको जब ऐसे कुछ भी कंपाउंड लिख दे रखा हो और आपसे पूछा क्या हुआ उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो बेसिकली हम मैग्नेटिक कैरेक्टर की पहले बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर बोले तो वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, या फिर फेरो है, एंटी फेरो है, फेरी है। ठीक है, तो बेसिकली आपसे ना पैरा और डाया ही पूछेंगे सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो देखो पैरा बोले तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, और डाया बोले तो डेड, दैट इज इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, एक भी हो तो भी चलेगा, प्रेजेंट। डायमैग्नेटिक बोले तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, समझ आया। ठीक है, ये पॉजिटिव का मतलब मैं प्रेजेंट लिखती हूँ, आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो मैम इसका बताना है, तो बताए कैसे बताएंगे, तो इसके लिए ना आप एक चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहली बात, आपको ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
मैम ये तो सभी टीचर्स बोल देते हैं याद होनी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया दे दो मैम याद कैसे करें। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर मेरे पास कोई इसका ट्रिक है, वो तो आपने ऑलरेडी, मुझे नहीं पता किसी ने याद करी हो, बट मैं आपको वैसे इसको याद करने का, जैसे कि मैं थोड़ा सा याद रखती हूँ उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। मैं ये तो हमें भी बताइए, तो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, आप तो ये बताओ कि इसको याद कैसे करें, है ना। तो देखो जैसा कि मैंने बताया कि इसका कोई एज इट इज़ मैंने ट्रिक तो नहीं बनाया है, बट मैं जैसे याद करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको लगे सही तो फिर वैसे कर लेना, थोड़ा बहुत याद करना है, क्योंकि बेसिकली ना आपको बस स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के ऊपर ही थोड़ा सा क्वेश्चन जानना होता है सीरीज़ को लेके। ये बेसिकली आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देती हूँ कि वाई यू शुड रिमेंबर दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, राइट। देखिए फर्स्ट थिंग, जितने भी हमारे लिगेंड्स होंगे NH3 के बाद वाले, ये सारे अंडरलाइन, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL। क्या होते हैं ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सम स्टूडेंट्स माइट थिंक कि मैम NH3 भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, बस आपको याद रखो कि NH3 के बाद वाले जितने भी हैं दैट आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसके पीछे वाले जितने भी हैं दैट आर वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब इनको याद क्यों करते हैं? बेसिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये पेयरिंग कराते हैं, ये पेयरिंग कराते हैं, ओके। और वीक फील्ड जो पेयरिंग नहीं कराते हैं। ठीक है मैम, वो तो ठीक है, अब आप हमको बस जल्दी से बता दो इसको याद कैसे करें। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में सोचो, मतलब हैलोजन्स को छोड़ दो। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे होता है ना हमारा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे होता है। ठीक है, तो मैंने हैलोजन को छोड़ना है। सबसे पहले दोनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आए और बोले भाई हम तो बॉन्ड बनाएंगे, तो इन्होंने बना लिया बॉन्ड, दैट इज़ ये हमारा है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब क्या हुआ? अब कार्बन चिढ़ गया, कार्बन बोल रहा है ये क्या बात है, मुझे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाना है। तो अब कार्बन ने बनाया इसके साथ और फिर कार्बन ने बताया इसके साथ। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले दोनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बना रहे, दैट इज NO। उसके बाद कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाएगा, देन कार्बन N के साथ बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास है। और ये PR3 का क्या मतलब है? R में आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, एराइल ग्रुप ले सकते हो, लाइक PPH3 भी हो सकता है, और PR3 में हमारा PCH3 थ्राइस भी हो सकता है। ठीक है, C2H5 थ्राइस, इस तरीके का भी कोई भी ग्रुप हो सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? NO2 नेगेटिव। मेनली आपसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये बाइपेरिडिन है और ये इथाइलिन डायामीन है। एक इसका भी थोड़ा सा याद बेशक से कर लेना, इसमें नहीं पूछा जाता बट इथाइलिन डायामीन मतलब पूछा जाता है। अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तब इसका मैं थोड़ा आपको स्ट्रक्चर भी लिखना बता देती हूँ। इथाइलिन इज कार्बन, कार्बन में थेथ हो गया ना इथाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन इथाइलिन डायामीन, दैट इज NN। बस वैलेंसी पूरी कर दो, कार्बन की दो तो हो गई, CH2। N का कितना होता है? तीन बॉन्ड बनाता है, एक बनाया हुआ है NH2। सो दिस इज आर EN, दैट इज इथाइलिन डायामीन। ये बस हमने ऐसे ही पढ़ा है। अब देखो इनको कैसे याद करोगे? देखो सबसे पहले आपको हेलोजन वाला लिखो, IBRCLF। ठीक है मैम, ये बीच वाले देखो, आई के और BR, उसके बाद दो का गैप छोड़ो, उसके बाद CL लिख दिया, फिर से दो का गैप छोड़ो, उसके बाद हमने क्या लिख दिया? F नेगेटिव। ठीक है, गैप में हमें क्या रखना है? फर्स्ट गैप में हमारे दोनों SS वाली टर्म्स आएंगी, और उसके बाद सेकंड गैप में हमारे पास क्या आएगी? NO2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। मतलब फर्स्ट गैप में हमारे पास SS वाली टर्म्स, सेकंड गैप में हमारे पास NN वाली टर्म्स। ठीक है, एफ नेगेटिव के बाद हमारे क्या आ जाता है? O, C2O4, O। देखो देखा जाए इन तीनों में ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है भैया? वाटर आ जाता है। तो बेसिकली आपको ये सब याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि मतलब अगर तो आपसे पूछ लिया जाए तो एकदम ऐसे ब्लैंक ना हो जाओ। ठीक है कि भाई ये वाले जो होते हैं बस इन चारों, इनमें तो यही चार याद करने होते हैं। ठीक है, और ऊपर वालों में आपको पता होना चाहिए कि भाई आई का सबसे कम रहता है, मतलब आई सबसे ज़्यादा वीक फील्ड है, मोस्ट वीक फील्ड WFL है, ओके। बाकी ये सारे फिर स्ट्रॉन्ग, बट पेयरिंग नहीं कराते यहाँ तक अप टू NH3। ऐसा नहीं है कि हर एक में ट्रिक लगता है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगी, अभी के लिए आपने इतना समझ लिया। अब देखो
अब क्या है हमारे पास, हमें हैलोजन्स का पता चल गया, हमें पता चल गया पहले एस वाली टर्म्स आएंगी, उसके बाद फिर एन वाली टर्म्स, और उसके बाद क्या ओ ओ ओ वाली टर्म्स, और फिर आ जाएगा वाटर। तो अब आपको बस एक और चीज़ याद रखनी है दैट NH3 एंड वाटर में से जो NH3 है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब पेयरिंग वगैरह करवा सकता है, बट H2O वो नहीं करवाता है। ठीक है, मतलब आपको ये याद रखना है कि इसको कैसे अप्लाई करना है। आप जल्दी से अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो ट्रिक तो आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ स्टूडेंट, एनसीईआरटी में हो सकता है कि इनमें से कुछ आगे पीछे हो रखा हो, आप अपनी एनसीईआरटी को ही फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि ये रिसर्च पेपर्स वाले हैं, मतलब जिस हिसाब से मैंने आपको लिख कर दिए हैं, हो सकता है एनसीईआरटी में से इनमें से कोई कम भी हो या हो सकता है एक दो ज़्यादा भी हो, बट आपको बेसिकली ये याद रखना है कि ये सब वीक फील्ड होते हैं अप टू NH3, और उसके बाद ये जो लास्ट वाले हैं जो मैंने आपको स्ट्रिक्ट से याद करने बताए हैं वो क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास 6 है तो हमारी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारा टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। बट मैम कैसे पता लगाएंगे दैट ये टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है? देखिए स्टूडेंट्स, बस G8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताती हूँ, ओनली फॉर D8, ये और किसी में अप्लाई होगा नहीं। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सीधी सीधी सी बात है कि ऑक्टाहेड्रल होगा। 4 के लिए बताते हैं, अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊँगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, अभी के लिए समझ लो। D8 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है अगेन 4। ठीक है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, 4 है तो अगर क्या होता है, अगर होता है पैरामैग्नेटिक, क्या होगा अगर पैरामैग्नेटिक? ठीक है, ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है या तो D2SP3 होगा या फिर SP3D2 होगा। ठीक है, ये जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है उसके लिए होता है, ये जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है उसके लिए होता है। अगर आपको इनर और आउटर में भी कन्फ्यूजन है तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है ना उसके साथ मैं आपको ये इनर आउटर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगी। अभी एक बार इस ट्रिक को समझिए, इसको प्लीज़ नोट डाउन करिए और इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में, हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने में, और इवन आपको डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपको इसका अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए, एक हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो बट क्या हो, डायमैग्नेटिक हो, डायमैग्नेटिक। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो ये मस्ट क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और अगर ये डायमैग्नेटिक है तो इसकी मस्ट ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। ओके, अब क्योंकि अब ये डायमैग्नेटिक है, ओके, स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन होता है हमेशा sp3 या फिर समटाइम्स sd3 भी हो जाता, एक सेकेंड, सॉरी, पैरामैग्नेटिक का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, रुको पहले इसको ठीक कर देते हैं। देखो पैरामैग्नेटिक के लिए टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है, और अगर स्क्वायर प्लेनर है उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है या तो sp2d या फिर DSP। दिस इज़ अ ट्रिक, और आप कहिए एक फॉर्मूला या कहिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा मैग्नेटिक कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर, D8 कॉन्फ़िगरेशन। मैम व्हाई आर यू मेंशनिंग फॉर द D8 ओनली? बिकॉज D8 के लिए ही ये वाले प्रॉपर्टी वर्क करती है, बाकियों के लिए ये वाली चीज़ वर्क नहीं करेगी, उनके लिए आपको सिंपल ही कंसीडर करना होगा। ठीक है, अभी देखिए आपको क्वेश्चन कराते हैं, आपका NiCN4 2 नेगेटिव के लिए पूछ रखा है। ठीक है, इधर लिख देते हैं NiCN4 2 नेगेटिव। सबसे पहली बात, हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, Ni के लिए हम x मान लेते हैं, इसके लिए हमें पता है -1 होता है, 4 इज इक्वल्स टू जो भी जाएगा माइनस का 2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 4 साइड जाएगा -2, दैट इज इक्वल्स टू +2। ठीक है, तो
Ni2 पॉजिटिव इज बेसिकली, देखिए निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचिए सबसे पहले, निकल का होता है 4s2, 3d कितना, शक्ति विकर मनफी कोनी d8 8। अब Ni2 पॉजिटिव के लिए पूछ रखा है तो 4s2 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे दोनों के दोनों, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 3d8। अरे वाओ मैम, ये तो सेम हो गया d8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप फटाफट से बता दीजिए, इसमें इन्होंने पूछ रखा है प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन Ni2 पॉजिटिव के लिए, दैट इज 3d8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 है, तो क्या होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। ओके मैम, पर ये तो नहीं पता चला ना कि ये पैरा है या डाया है। देखो स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने इससे पहले पढ़ी है वो हमें यही बताती है कि जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग कराते हैं, ठीक है। तो ये पेयरिंग कराएगा, तो जैसे ही ये पेयरिंग कराएगा तो उसे क्या हो जाएगा, देखिए D8 में पेयरिंग, आप खुद सोच के देखिए, इवन नंबर में पेयरिंग, दैट मीन्स कि वो डायमैग्नेटिक होगा, और क्या होगा डायमैग्नेटिक है तो sp2d या dsp2 में से एक हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अगर MCQ है तो आप फटाफट से टिक कर सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, लेकिन हमसे ये पूछा नहीं हुआ, हमसे बस ये दो चीज़ें पूछी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पेपर में टाइम नहीं बचा है और तब आप ये करें तो आप फटाफट से ये वाला चीज़ बता पाएंगे कि हाँ डायमैग्नेटिक है, बट हाँ आपको sp2d होगा या dsp2 होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा करके देखना ही होगा इस क्वेश्चन को। सो लेट्स स्टार्ट कि आप कैसे करके देखेंगे। तो 3d8, इसके लिए हमारे पास Ni2 पॉजिटिव लेंगे, दैट इज 4s0 3d8। फटाफट से सर कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1 2 3 4 5, ओके 6 7 8, ठीक है, और 4s0। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या कराएगा, ये पेयरिंग कराएगा। फटाफट से इसका पेयरिंग करा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन दोनों का क्या हो जाएगा, ये फिजर हो जाएगा पेयरिंग, इतना ही होगा। ये 4s0 है और यहाँ पे क्या होता है, पी, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, पी ऑर्बिट, इतना ही होता है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, देखो जब इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तब 4s2 का एनर्जी क्या हो जाता है हमारे पास, फिर नहीं होते तो 4s2 का एनर्जी हमारे पास ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3d8 4s0 4p0, ओके। चलिए अब हमारे पास 4 CN है, ठीक है, तो कैसे CN आएंगे, इधर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस वन एंड P1, ओके। अब देखिए P1 नहीं मतलब P0, ओके। अब देखिए CN आया इधर से, CN आया इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। वन मोर थिंग, दिस इज नॉट CN, दिस इज CN नेगेटिव, बिकॉज अगर CN होगा तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लीगेंड कौन, लीगेंड्स कौन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लीगेंड्स के लिए है ना कि मेटल्स के लिए, और लीगेंड वो है जो इलेक्ट्रॉन दे या फिर ले, ठीक है। बेसिकली लीगेंड सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब देखिए देगा कौन, लीगेंड जो इलेक्ट्रॉन दे, बट देगा कौन, इसके पास है, बट मैम CN तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, पाई एक्सेप्टर उसको बोला जाता है, जितने भी हमारे पास जो लास्ट के चार जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पाई एक्सेप्टर बेसिकली उनको बोला जाता है, बट एवरी लिगेंड सबसे पहले देगा, उसके बाद फिर वो बैकबॉन्डिंग से ले लेता है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले अब CN नेगेटिव है, हाँ मुझे बताना था ये CN नहीं है, ये नेगेटिव है क्योंकि इस पर लोन पेयर है, तभी ये दे रहा है, एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। ये 4 CN नेगेटिव है, इस तरीके से देंगे। अब देखो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 1 2 1 2 एंड 1, गॉट इट। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, DsP2, दैट इज दिस इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो मैम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, स्टूडेंट सोच कर देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास D8 की जगह मान लो D9 होता, तो क्या होता,
तो डी नाइन में देखो अगर पेयर हो गया तो भी एक इलेक्ट्रॉन अंदर बच जाता, दैट इज डी एम्प्टी नहीं होता। 3d8 मतलब 3d9 अगर यहाँ पे होता तो वो एम्प्टी नहीं होता, कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होता। तो इसीलिए तब क्या होता हमारा 4s0 4p0 एंड उसके बाद जो हमारे पास डी वाला है, ठीक है, इसके आगे जो हमारा डी आएगा 4d वाला, वो क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स बनाता। तो क्या बनता, sp2 और फिर जो डी का ऑर्बिटल है उसमें से एक ऑर्बिटल इस तरीके से हमारा sp2d बनाता, जब क्या होता हमारा आउटर ऑर्बिटल। तो अभी के लिए आपको ये समझ आया दैट दिस इज dsp2, ठीक है। वैसे तो हमने उस ट्रिक से देख ही लिया था दैट इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2d होगा या dsp2 होगा, बट क्लियर हम इधर से ही कर पाएंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारे पास dsp2। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो क्या आपको इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? नो, बट मैम यहाँ पर तो था, बट लिसन टू मी, इसकी बात ही नहीं हो रही है, बात यह है कि लिगेंड क्योंकि है तो इस लिगेंड का अफेक्ट शो करो, एंड दिस इज फॉर द NICN's अफेक्ट, दैट इज शोइंग दैट पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग हो रही है, एंड दिस इज वाई हमें इसका बताना है। ऐसे नहीं बस NI2 पॉजिटिव का देखा आयन, हाँ ये रूल्स को फॉलो कर रहा है, पांच पहले भरो उसके बाद फिर पेयरिंग करनी शुरू करो एंड देन दैट्स द फाइनल आंसर। नो, दैट विल बी नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता कि देखो इसी में मानो कि अगर ये Cl होता, मान लो Cl4 होता इंस्टेड ऑफ CN4, दैट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो क्लोरीन होता तो देखो पेयरिंग होती ही नहीं, तो फिर से क्या हो जाता हमारा, फिर तो जज्बात ही बदल जाते। जज्बात कैसे बदल जाते, फिर तो यार देखो वो Cl हो गया, दैट इज वीक फील्ड लिगेंड हो गया, D8 कॉन्फिगरेशन का हो गया, तो सीधा सीधा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर देता। sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते ही क्या हो जाता हमारे पास, वो एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देता। गॉट इट? आई डोंट नो माइक का साउंड आया कि नहीं, मैं भूल गई थी माइक लगाना, तो कोई बात नहीं, एक बार मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमारे पास था NICN42 नेगेटिव, इसमें हमने NI2 पॉजिटिव लिया था जिसपे हमने देखा था कि 2 पॉजिटिव D8 4S0 4P0 कॉन्फिगरेशन हमारा आ रहा है। मैंने सिंपली पहले इसको NI2 पॉजिटिव को फिल करके दिखाया था, फिल करने के बाद हमारे पास क्या हो रहा था, सिंपल पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा देन पेयरिंग होगी, उसके बाद क्या है CN क्योंकि लिगेंड लिया हुआ है तो यहाँ पे ये पेयरिंग कराएगा बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद अब क्या हो जाएगा, चार लिगेंड दिए हुए थे, इन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस के साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने के बाद दो दो इलेक्ट्रॉन ये दे देगा बिकॉज वन लोन पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे ही इसने बॉन्ड बनाया ये हमारे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन, आई होप आपको वीडियो समझ आया हो। मैं इसका सेकेंड पार्ट भी जल्दी से अपलोड करूँगी ताकि आपको जल्दी से और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आप साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर मैं छुड़वा भी रही हूँ आप उनको ट्राई करते रहिए ताकि आपको पता चले कि इन कॉन्सेप्ट पे बेसिस, क्योंकि देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट चेंज हो जाता है बट कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो अपने आप ही जो भी मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाती हूँ आपको वो क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करके देखने हैं, एंड ऑफ कोर्स PYQs आपको ज़रूर ज़रूर सॉल्व करके जाने ही हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड वन मोर थिंग, ऐसे मत सोचिए कि ये वीडियो मुझे मिला तो मैं इसको किसी को शेयर नहीं करूँगा, नहीं तो उन लोगों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते। देखिए समटाइम्स दूसरों की हेल्प करने से भी हमारी हेल्प हो जाती है, तो बी काइंड, राइट, एग्जाम टाइम है, be a little kind and you can share this video at least to your friends, ताकि वो सब लोग भी जो examination fear होता है, क्योंकि आप उनकी आज मदद करेंगे तो वो भी कभी ना कभी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो मदद करते रहिए, be a little kind and don't panic, don't hesitate, don't take very much burden of exams, boards, no, so don't take such tensions, just be calm and study, right, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। अब मैं नहीं बोलूँगी कि आपका जो रूटीन है उसको ख़राब करिए, 14 आवर्स पढ़िए, 18 आवर्स पढ़िए, जितना आपसे पढ़ा जा रहा है ठीक से पढ़ा जा रहा है, जितना आप ग्रैब कर पा रहे हैं उतना पढ़िएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।